स्वच्छ अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करें। स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं? सर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती उससे, हमेशा हम साफ रहेंगे उससे। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती है। बीमारियां फैलती। देखिए, पहले का समय जब बिल्कुल था, 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता, बेटियों को होता। जब से हमने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट बहुत कम था, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही थी। तो स्वच्छता का फायदा हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर, आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारी फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को अभी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं, तो सर जब हम 18 प्लस के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी इसमें बच्चों को है कि हमें साफ करते दिखाया गया है कि नीचे साफ करना, यूज में डस्टबिन यूज करो, नीचे मत डालो। देखिए, मैं गुजरात में था तो स्कूल के टीचर, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया, कहा कि घर में माँ जब खाना साफ तो बर्तन साफ करते, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा करते और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ, और हर एक को कह दिया कि ये पेट तुम्हारा, अपने घर से जो बोतल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना उसको देगा। और मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया, पूरा स्कूल इससे भी ज़्यादा थी। तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ड्राई वेस्ट? माँ को सब्जी लेने जा रही है, खाली हाथ जा रहे हैं, प्लास्टिक में लेके आ गए, तो आप कभी माँ से झगड़ा करते हो? Yes, तो मम्मा घर से थैला लेके जाओ, yes, ये प्लास्टिक क्यों लाती हो, गंदगी घर में क्यों लाती हो, ऐसा बताते हैं? नहीं बता। बताते हैं? अच्छा, ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता बच कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हैं? Yes, तो आपको याद रहेगा? Yes, sir. हैं? क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। तो आदत क्या डालनी है? मैं गंदगी नहीं करूंगा, पहली आदत ये है। पक्का? ये युग सच अभियान का, प्रगति और उत्थान का, जीवन के हर पहलू में श्रमदान करे इंसान, यहाँ प्लास्टिक को तुम त्याग।
डालो तुम।